ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, जो अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो वो मैंने एक्सप्लेन किया कि इंडिया की इकोनॉमी को हम तीन सेक्टर में डिवाइड करते हैं। आई हैव टोल्ड यू प्राइमरी सेक्टर, फिर दूसरा मुझे बताया था सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा बताया मैंने टर्शियरी सेक्टर। ये तीन सेक्टर्स मैंने आप लोगों को डिवाइड किया, ये तीन सेक्टर्स मैंने आप लोगों को बताया। अब क्वेश्चन ये उठता है बेटा कि मैंने ये भी बताया कि प्राइमरी सेक्टर से जो टोटल इनकम है वो अप्रॉक्स 17% बेटे हमारे जीडीपी का बनती है। ये मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हमारे प्राइमरी सेक्टर से टोटल इनकम का केवल 17% पार्ट ही आता है। अगर हम 100 रुपीज गेन करते हैं तो उसका 17 रुपीज हम प्राइमरी सेक्टर से गेन करते हैं, जबकि मुझे सेकेंडरी सेक्टर से लगभग 27% आता है। 27% हमारी टोटल इनकम का 27% इनकम सेकेंडरी सेक्टर से आता है और टर्शियरी सेक्टर से लगभग 54% या अबव 54-60% के बीच में हमारा सर्विस सेक्टर से या टर्शियरी सेक्टर से आता है, जिसे सर्विस सेक्टर प्लस ट्रांसपोर्टेशन के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली मेन पार्ट उसका सर्विस सेक्टर है, इस वजह से उसे सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है। मैं आपको ये बता दूं कि ये तीनों सेक्टर्स इतने ज़्यादा रिजिड नहीं है कि इनका क्लासिफिकेशन ऐसे कर दिया जाए कि हवा इधर से उधर ना जाए। बेटे दीज आर फ्लेक्सिबल, ये तीनों सेक्टर्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ऑल दीज थ्री सेक्टर्स और डिपेंडेंट टू ईच अदर। मैं पिछली बार में डिस्कस कर रहा था कि जैसे मिल्क प्रोडक्शन है, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स है, वो प्राइमरी सेक्टर्स है, लेकिन मिल्क को वही मिल्क मैन जब बांटता है लोगों घर घर जाकर के प्रोवाइड करता है तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इज प्रोवाइडिंग द सर्विस, तो वो सर्विस सेक्टर का काउंट। तो इट इज नॉट इजी टू क्लासीफाइड इट, टू डिवाइड इट, कि इनको इस तरीके डिवाइड कर दिया जाए कि पॉसिबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बता रहा हूँ कि तीनों सेक्टर्स एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस हैं, ऑल दीज थ्री सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर इंटरडिपेंडेंसी कम है, जैसे जापान की बात करें या फ्रांस की बात करें, कैसे कम है वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं आप लोगों को बेसिक ये बता रहा था कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर्स है वो सेकेंडरी सेक्टर पर डिपेंडेंट है, सेकेंडरी सेक्टर टर्शियरी सेक्टर पर डिपेंडेंट है। हम बातें करते हैं कुछ ऐसे कि प्राइमरी सेक्टर्स में मान लेते हैं बेटा एग्रीकल्चर आता है, एग्रीकल्चर। सेकेंडरी सेक्टर में बेटा इंडस्ट्रीज आता है, इंडस्ट्री। और इसमें आता है बेटा सर्विस सेक्टर या ट्रांसपोर्टेशन। ये तीन पार्ट है हमारे पास। एक पार्ट बेटा एग्रीकल्चर, पहला पार्ट बच्चों हम लोग क्या करते हैं एग्रीकल्चर को करते हैं, एग्रीकल्चर। दूसरा पार्ट हम लोग बच्चों इंडस्ट्रीज है। तीसरा है सर्विस या इसी को कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो ये तीन पार्ट में हमने एग्रीकल्चर सेकेंडरी, अब इनकी इंटरडिपेंडेंसी हम देखते हैं। मान लेते हैं बेटा एक इंडस्ट्रीज है एग्रीकल्चर में, मान लेते हैं जो बंदा हुआ था शुगर केन उगा रहा है, शुगर केन, और इस पे जो इंडस्ट्रीज है वो शुगर केन की इंडस्ट्रीज है और ये सर्विस सेक्टर है। सपोज करो कि इस एग्रीकल्चर सेक्टर ने शुगर केन का प्रोडक्शन किया और उसने अपना प्रोडक्शन शुगर फैक्ट्री को देने से मना कर दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर ने शुगर केन का प्रोडक्शन किया, मतलब किसानों ने शुगर केन का प्रोडक्शन किया, बट दे रिफ्यूज टू प्रोवाइड द रॉ मटेरियल्स एज शुगर केन टू द शुगर इंडस्ट्री। रिजल्ट क्या होगा, इंडस्ट्री वर्क नहीं करेगी। तो बेसिकली जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं वो तो अपना रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर से गेन कर रही ना यार। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर अफेक्टेड होगा तो उनका रॉ मटेरियल का सेक्टर अफेक्टेड होगा, और अगर उनका रॉ मटेरियल का सेक्टर अफेक्टेड होगा तो स्वाभाविक है उनका प्रोडक्शन अफेक्टेड होगा, और प्रोडक्शन अफेक्टेड है तो सेकेंडरी सेक्टर अफेक्टेड होगा। तो बेसिक हमारे कहने का मतलब है, या हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर से अगर हट जाए, हम बात करते हैं माइनिंग की। मान लो कहते हो आयरन इंडस्ट्रीज है, तो आयरन इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो आयरन इंडस्ट्रीज भी माइनिंग पे डिपेंडेड है। आयरन इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल
आयरन है और आयरन निकलता है माइन से और माइन प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, माइन इज द माइनिंग इज द पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। अब अगर प्राइमरी सेक्टर से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा और प्रोडक्शन अफेक्टेड है तो हमारा आयरन इंडस्ट्रीज अपने से अफेक्टेड होगी और हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर अफेक्टेड होगा। तो बेसिक मेरे कहने का मतलब एग्रो नॉन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेड है क्योंकि प्राइमरी सेक्टर्स वो सेक्टर्स होता है विच इज रॉ मटेरियल प्रोवाइडर सेक्टर्स फॉर द इंडस्ट्रीज, चाहे वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो चाहे वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हो। ऑल ऑफ यू ओके? तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट दैट सेकेंडरी सेक्टर इज डिपेंडेड ऑन द प्राइमरी सेक्टर फॉर द रॉ मटेरियल। इफ द रॉ मटेरियल इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इफ देर इज नो रॉ मटेरियल मीन्स देर विल बी नो प्रोडक्शन, देन सेकेंडरी सेक्टर इज डिपेंडेड फॉर द रॉ मटेरियल ऑन द प्राइमरी सेक्टर। सेम लाइन बच्चों, अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर से प्रोडक्शन हो रहा है, अब बच्चों अगर ये सेक्टर ने अफेक्ट किया और उन्होंने कहा कि हम सुगर केन या माइनिंग से निकाला हुआ आयरन प्रोवाइड नहीं करेंगे टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर को, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर अफेक्टेड होगा। सेम कंडीशन इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बेटे प्राइमरी सेक्टर डिपेंडेंट है। इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या बनाती है, डिफरेंट तरीके की इंस्ट्रूमेंट बनाती है फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज, फॉर माइनिंग पर्पज या फॉर मेनी अदर पर्पज। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या बनती है बेटा, डिफरेंट तरीके के इंस्ट्रूमेंट चाहे वो ट्रैक्टर्स हो फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटी, चाहे वो डिफरेंट तरीके की जेसीबी मशीन हो फॉर माइनिंग पर्पज। तो दीज आर, अब सपोज करो कि इन लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर ने क्या बनाया बेटा, और डायरेक्टली अगर हम बात करें तो अगर बिना ट्रैक्टर के काम हो जाए तो बेटा यहाँ पर हम फर्टिलाइजर की बात करते हैं, फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन बच्चों कौन करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर करता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर ने कहा कि हम फर्टिलाइजर तुमको देंगे ही नहीं, तो क्या होगा बेटा, प्राइमरी सेक्टर से अपने से अफेक्टेड हो जाएगा, प्रोडक्शन अपने से अफेक्टेड होगा जब फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा। या उसने कहा हम इरिगेशन के जो सिस्टम है, पंपिंग मशीन है, मोटर है, इंजन है, दीज आर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपकी फसल सूख जाएगी, आप इरिगेशन नहीं कर पाएंगे। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बेटा, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर प्राइमरी सेक्टर भी डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, वी आर सीइंग दैट इज डिपेंडेंट ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब अगर बेटा हमारा सर्विस सेक्टर है, मान लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ने हड़ताल कर दिया, अब एग्रीकल्चर सेक्टर का जो मटेरियल है उसे मार्केट में या इंडस्ट्री तक कौन पहुंचेगा, ट्रांसपोर्टेशन पहुंचेगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ने हड़ताल कर दिया तो बेटा इंडस्ट्री प्रोडक्ट अब नहीं पहुंचेगा, दोनों अफेक्टेड होंगे, दे विल इन लॉस, शुगर केन सूख जाएगी, तो बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर भी अफेक्टेड होगा और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी अफेक्टेड होगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर का बना हुआ प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचाना दैट इज द वर्क ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, वो भी अफेक्टेड होगा ट्रांसपोर्टेशन। तो सर्विस सेक्टर पे भी डिपेंडेंट है, या हम कहें सर्विस सेक्टर बैंकिंग मान ले, बैंकिंग किसी भी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है दैट इज नॉट, या एम्प्लॉयज को पेमेंट प्रोवाइड करने के लिए बैंक की जरूरत होती है, बैंक नहीं काम करेगा तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, या किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालना है, उनके पास पैसा नहीं है अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए तो वो बेटा बैंक प्रोवाइड करेगा। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है, वी आर सीइंग दैट दीज थ्री क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री को बेटा हम क्लियरली क्लासिफाइड नहीं कर सकते हैं, दे आर नॉट फ्री टू ईच अदर, दे आर इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर। अगर ये क्वेश्चन आता है कि हाउ थ्री सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तीनों सेक्टर्स आपके इकोनॉमी के हाउ दे आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, तो यू कैन ऑल्सो गिव सच टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल एंड कैन एक्सप्लेन टू योर आंसर दैट हाउ थ्री सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो यू हैव टू शो इट, आप और भी अच्छे एग्जाम्पल ढूंढ सकते हो, अच्छे एग्जाम्पल बाई अदर गुड टाइप ऑफ एग्जाम्पल, बाई शोइंग द एग्जाम्पल यू कैन शो दैट दीज सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंस टू ईच अदर। कैसे प्राइमरी सेक्टर पे हमारा सेकेंडरी सेक्टर डिपेंडेंट है, कैसे सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर्स कैसे हमारे बेटा टर्शियरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। हाँ, अब बात यह है कि हमें ये नहीं बताया कि टर्शियरी सेक्टर कैसे डिपेंडेंट है आप प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के लिए, तो बेटे अगर सेकेंडरी सेक्टर में हड़ताल होगी तो ट्रांसपोर्टर जो होंगे वो बेटा बेरोजगार हो जाएंगे, गाड़ियाँ उनकी नहीं चलेंगी, उनको प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगा, उनको मटेरियल ही नहीं मिलेगा टू कैरी आउट वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो बेटा हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अफेक्टेड होगा। बैंक
इतना बड़ा सेक्टर, अगर वह उसमें ग्राहक ही नहीं होंगे, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाएंगे, किसान नहीं होंगे, या इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं होगा, वहाँ सेकेंडरी सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर के लोग नहीं जाएंगे, तो बेटा बैंकिंग भी कम्प्लीटली अफेक्टेड होगा। तो इस तरीके से ऑल दीज थ्री सेक्टर्स आर नॉट क्लासिफाइड सच वे दैट एयर इधर से उधर नहीं जा सकती है, नहीं ये पॉसिबल है, बशर्ते ये तीनों सेक्टर्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ओके बच्चों, तो ये इंटरडिपेंडेंस से क्वेश्चन आया करता है कि हाउ थ्री सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, कि कैसे तीनों सेक्टर्स इकोनॉमी के एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। तो यू कैन मेक योर आंसर वेरी इफेक्टिव बाय गिविंग द एग्जांपल विच शोज द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ ऑल दीज थ्री सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। हम बेटे इसके डेटा के साथ अभी और आएंगे, अभी हमें इसके डेटा और अच्छे से क्लेरिफाई करना है, तब हम आगे चलेंगे। अभी हम प्राइमरी सेक्टर में कितने परसेंट पॉपुलेशन किस सेक्टर में इंगेज है, प्राइमरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला सेक्टर्स कौन सा है, सेकेंडरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन प्रोवाइड करता है, कैसे कॉटन इंडस्ट्री मिल ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड करती है, ये सारे डेटा के साथ अभी हम एक वीडियो और बनाएंगे इस पार्ट से। आफ्टर दैट फिर हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे इस चैप्टर का। ओके बच्चों, ओके ओके।